हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एबी रॉक्स टीम्स। तो 7:30 घंटे बाद मैच होने वाला है कोपा अमेरिका लीग का। ये मैच की टीम आएगी बट इन प्राइम। तो ये है कोपा वर्सेस अमेरिका लीग का मैच है और अर्जेंटीना वर्सेस ब्राज़ील का। तो 7:30 बाद मैच होने वाला है एंड इस मैच की फाइनल टीम की कोशिश करूंगा यहाँ पोस्ट करने की। मेरा टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक नीचे है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एंड सेकंड बात है कि हम इस वीडियो में किसी भी चीज़ को प्रोत्साहित नहीं कर रहे। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन के ऊपर है। तो चलते हैं दोस्तों आगे। बात करूँ मैं इस मैच की, देन अर्जेंटीना वर्सेज ब्राज़ील। तो यहाँ पर हम किसके फेवर में जाएँ और किसके फेवर में ना जाएँ, सबसे बड़ी कन्फ्यूज़न यही लग रखी है। अर्जेंटीना टीम अच्छी है तो डिफेंडिंग अच्छी नहीं है, ब्राज़ील की डिफेंडिंग अच्छी है पर मिडफील्डिंग अच्छी नहीं। तो मतलब हर तरफ से कन्फ्यूज़न है इस मैच के अंदर। डबल साइड टीम के साथ जाओ तो फ़ायदे में रहोगे, बाकी देखते हैं क्या होता है। बात करें, आज हम गोलकीपर से शुरुआत ना करके शुरुआत करेंगे सबसे मेन स्ट्राइकर से, लियोनल मेसी एंड न्यूमर द ग्रेटेस्ट फ्रेंड्स। तो मतलब बहुत अच्छे दोस्त हैं और नेचुरली एक टीम से भी खेल चुके हैं, काफ़ी पहले की बात है। जिसमें कि बाद में जब इनका हुआ तो ये न्यूमर चला गया ब्राज़ील में, देन अर्जेंटीना में मेसी था। और सेकंड एक लीग होती है जिसमें कि न्यूमर खेलता है पेरिस की तरफ से और लियोनल मेसी खेलता है बार्सिलोना की तरफ से, ठीक है, बहुत अंतर हो गया। लेकिन जब ये दोनों खट्टी टीम में खेलते थे देन बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे, मतलब लिटरली आज भी ये बहुत मज़े में खेलने वाले। तो लियोनल मेसी सबका कैप्टन रहेगा एंड सबका वाइस कैप्टन न्यूमर। इनके बारे में क्या एक्सप्लेनेशन दूँ यार, पेनल्टी टेकिंग रेशियो 1 से बढ़कर 1, खेलने का स्ट्राइकिंग गोल रेशियो वो भी 1 से बढ़कर 1। मतलब दोनों प्लेयर ऐसे हैं कि कैप्टन वाइस कैप्टन की चॉइस की टेंशन ख़त्म, ये दोनों सेफ हैं। बात करें थर्ड स्ट्राइकर की, वो है एल मार्टिनेज। यहाँ पे काफ़ी लोग रिचर्लिसन के साथ जाने की कोशिश करेंगे बट आपने अर्जेंटीना की टीम के एल मार्टिनेज को लेना है, भले ही आप ब्राज़ील के फेवर में हो तब भी। बात करूं मैं यहाँ पे मिडफील्डिंग के, देन आडे पॉल को यहाँ पे लूँगा। रॉड्रिगो आडे पॉल ने प्रीवियस मैचेस के अंदर अच्छा गोल किया एक मैच में, बाकी असिस्ट रेशियो प्लेयर का अच्छा है, शॉट ऑन टारगेट करने की मतलब गोल करने की कोशिश में लगा रहता है, तो अच्छा प्लेयर है। और आगे से बात करूँ नेक्स्ट प्लेयर की जो कि है लुकास पेलेकुटा, और ये तगड़ी फॉर्म में आया प्लेयर, अचानक ही तगड़ी फॉर्म में आया क्योंकि एक्यूडर के मैच के बाद ये बंदा टिका नहीं। चाइल के सामने इस बंदे ने भी गोल किया बट ऐसा सब्स्टिट्यूट, उसके बाद इसको मौका मिला पीईआर के सामने, उनके सामने भी एकदम हिट। एंड आगे से बात करूँ कैसेमिरो की, कैसेमिरो थोड़ा डाउन हो गया क्योंकि जब एक प्लेयर चलता है तो दूसरे को टेंशन नहीं होती, बट ये असिस्ट के लिए अच्छा है। बात करूँ डिफेंडर की, देन डी सिल्वा को यहाँ से मैं लूँगा। डी सिल्वा इज़ अ गुड प्लेयर, असिस्ट काफ़ी अच्छी करते हैं। यहाँ पे मैंने 3 असिस्टर जो लिए हैं वो ब्राज़ील की टीम के हैं। सबसे पहला है डी सिल्वा, दूसरा है मार्को इनोस एंड थर्ड डिफेंडर जो मेरा है वो है आर लॉडी। तो इन तीनों का मैंने एक तरह शील्ड बनाई आप समझ लो, क्योंकि मार्को इनोस एंड न्यूमर की फ्रेंडशिप भी अच्छी है क्योंकि और एक ही टीम में खेल रहे हैं। डी सिल्वा की स्ट्राइकिंग अच्छी है एंड सेकेंड बात जो आर लॉडी है ये थोड़ा इसका ना चक्कर रहता है कि ये सब ना हो जाए सब्स्टिट्यूट, बट मेरे को ऐसा लगता नहीं क्योंकि आज मौका है। और एन मोलिनो की बात करूँ, ये मैंने सिर्फ इसलिए है कि हमें पता रहे कि हम अर्जेंटीना के फेवर में हैं, मतलब ऐसा चक्कर नहीं कुछ। और आगे से बात करूं गोलकीपर की, देन यहाँ सुनूंगा ई मार्टिनेस को। देन यहाँ पे मार्टिनेस जो प्लेयर है ये भी अच्छी तगड़ी फॉर्म में लग रहा है क्योंकि इसने मैंने पहले मैच में ही नोटिस कर लिया था, जो बंदा चाइल के सामने उनकी पेनल्टी रोक सकता है देन कुछ भी कर सकता है, बट आज जो ओपोनेंट पेनल्टी टेकर है वो है न्यूमर, तो न्यूमर भाई पेनल्टी हिट करने में बादशाह है। एंड आगे से बात करूँ कैप्टन एंड वाइस कैप्टन की, कैप्टन है मेसी एंड वाइस कैप्टन है न्यूमर। तो ये मेरी टीम गाइस, मिलता हूँ अगली वीडियो में, बाय।